हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कटारिया। भाई सामने आप ये गाड़ी देख रहे हैं, ये है ऑल न्यू ब्रीजा 2023 वेरिएंट है। अब ये जो गाड़ी है VXI वेरिएंट है, सेकंड बेस वेरिएंट आप जो कह सकते हैं। और इसके अंदर ना जरूरत के जो फीचर्स हैं वो तो आपको मिलते हैं, बट आपको जो एक दो फीचर ऐसे भी मिल जाते हैं जो कि मतलब आप आफ्टर मार्केट चीज़ें लगाते हैं, जैसे कि म्यूज़िक सिस्टम करते हैं, लगवाते हैं, ऑटो फोल्ड कराने पड़ते हैं आपको। बट इस वेरिएंट के अंदर आपको जो ऑटो फोल्ड मिल जाएंगे। LXI इसका जो है एक तरीके से वैल्यू फॉर मनी भी है, बट ये उससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि भाई आपको ज़्यादा चीज़ें ना बाहर से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। जो उसके अंदर नहीं आती है LXI के अंदर, वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। जैसे म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है, हार्ट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है इसके अंदर, और जो है बाकी और भी फीचर्स मिल जाते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। भाई सारी चीज़ें आपको यहीं बता दूंगा, तो आगे क्या बताऊंगा, ठीक है। फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं, तो आपको जो है ग्रेज फिनिश में आपको ग्रेज मिलते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और भाई इस गाड़ी का जो बोनट है ना, काफ़ी बढ़िया है। मतलब ये जो उठाया गया है ना इस तरीके से, ये काफ़ी बढ़िया लगता है। और रेड कलर के अंदर ना ये गाड़ी काफ़ी स्पोर्टी लुक दे रही है। बोनट पर आप जो क्रीसेस देख रहे हैं ना, रेड कलर में कम दिख रहे हैं, बट आप यहाँ से देखेंगे ना काफ़ी बढ़िया लुक दे रहे हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं इसके अंदर, यहाँ पे पार्किंग बल्ब, यहाँ पे इंडिकेटर, फॉग लैंप्स आपको नहीं मिलते। डुअल टोन के अंदर आपको जो बम्पर मिलता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि काफ़ी मतलब बढ़िया लग रहा है, और काफ़ी जो है बढ़िया लुक दिया गया है इसके अंदर। बाकी यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो, क्रोम के अंदर आपको जो हाईलाइट्स दी गई है। डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के, तो आपको विड्थ मिलती है 1790 mm की, और व्हील बेस मिलता है आपको जो 2500 mm का, जिसकी वजह से ऑल ओवर ना अंदर का स्पेस काफ़ी जो बढ़िया हो जाता है। बाकी जो अभी मैं दिखा भी दूंगा क्या स्पेस रहने वाला है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपको जो व्हील कवर ऑफर किए गए हैं, जो कि क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। स्टील रिम्स मिलते हैं आपको ब्लैक के अंदर, और प्रोफाइल रहने वाली है इनकी 21560R16, तो 16 इंच का आपको जो स्टील रिम मिलता है। ब्रॉड टायर मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, जो काफ़ी बढ़िया है। व्हील आर्चेस काफ़ी बड़े दी गए, जिसकी वजह से काफ़ी जो बढ़िया लुक आ रहा है। बहुत से लोगों को ये चीज़ पसंद है, बहुत से लोगों को नहीं, कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि आपको ये चीज़ पसंद है या नहीं। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्ड लेवर्स आपको जो मिरर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको जो बॉडी कलर ओवर रेंज मिल जाते हैं, बॉडी कलर आपको जो डोर हैंडल्स मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, और कुछ एक्सेसरीज लगी हुई है इस गाड़ी के अंदर, जैसे साइड मोल्डिंग लगी हुई है, क्रोम का पार्ट लगा हुआ है, ऊपर आपको जो रेन वाइजर लगे हुए हैं, और यहाँ पर सीट कवर भी शायद से लगे हुए हैं, वो हम आगे देख लेंगे। बाकी ये है कुछ इसका लुक। ए पिलर आपको ब्लैकआउट, बी पिलर आपको जो ब्लैकआउट, और सी पिलर पर आपको जो कॉटा ग्लास दिया गया है, जिसकी वजह से आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगने वाला है इस गाड़ी के अंदर। ऊपर शार्फिन एंटीना मिल जाता है, बाकी कुछ साइड लुक ये है। तो भाई ये बात रही ऑल ओवर इस गाड़ी के साइड लुक के बारे में, काफ़ी बढ़िया लुक आता है इस गाड़ी को। जो है कुछ और नाम से भी बुलाते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता दें कि किस नाम से बुलाते हैं, ठीक है। रियर डिफॉगर आपको मिल जाता है, रियर में हायरो स्टॉप लैंप मिल जाता है, ब्रीजा की बैजिंग स्टेसिंग के साथ में, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग, 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, रिवर्स कैमरा भी आपको जब मिल जाता है इसके अंदर, जो कि ये है, ठीक है। बाकी ब्रीजा स्पेसिंग के साथ में सुजुकी का लोगो, स्मार्ट हाइब्रिड मैंने आपको बताया। और सबसे ख़ास बात भाई, ये LED टेल लैम्प काफ़ी बढ़िया लगते हैं, मतलब रात को जब ग्लो करते हैं ना काफ़ी बढ़िया लगते हैं, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के अंदर आते हैं, और मैं आपको जो ग्लो करके भी दिखा दूँगा। रिवर्स लैम्प आपको यहाँ, और इंडिकेटर आपको यहाँ। बूट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको बटन दिया गया है, जो कि ये है। अभी जो है ओपन नहीं हो रहा, मैं ओपन करके जो है दिखाता हूँ, अभी रुक जाओ। आपको यहाँ से पहले 2 बार करना पड़ेगा ना, मारती कुछ ऐसी सिस्टम है, नहीं हुआ यार, हाँ नहीं हुआ यार, ये क्या सिस्टम है, पहले वो खुलेगा। हाँ यार, ओहो मैं लॉक कर रहा था इसे। अरे यार, हर गाड़ी का तो अलग अलग सिस्टम रहता है। क्या बात है सर, ये बात है। चलो 328 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है, स्पेयर व्हील आपको जो सेम साइज का रहने वाला है, तो क्या दिखाना, आपको ब्लैक के अंदर मिलता है। और ये खास बात है, यहाँ पे आपको जो ये हुक मिल जाता है, जिसकी वजह से ये ट्रेन ना हिलती नहीं है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पे आपको जो है स्पेस, यहाँ भी आपको जो है स्पेस दे रखी है, बाकी आपको जो यहाँ पे हुक दे रखा है, ऊपर ट्रिम मिलती है, जिसकी वजह से कोई भी पार्ट एक्सपोज नहीं है। तो ये बात रही ऑल ओवर गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो भाई पेट्रोल ओनली वेरियंट आता है स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में, 48 लीटर का आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। बाकी जो है बेस्ट प्राइस के लिए जो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं TR सानी पे मेरठ में, तो आपको जो ये गाड़ी जल्दी भी मिल जाएगी, और अगर आप मेरा नाम लेते तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और प्राइस जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्राइस, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी अगर मैं इस गाड़ी के रियर डोर के बारे में बात करूँ, तो भाई यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच दे रखा है,
इससे लोअर वेरिएंट में आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलता, बट इसके अंदर मिल जाएगा। यहाँ आपको जो स्पीकर ग्रिल, चार स्पीकर आते हैं, यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल, यहाँ पे ब्लैक फिनिशिंग, लॉक अनलॉक, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं इसके अंदर। और भाई 60-40 का कोई ऑप्शन नहीं, आपको पूरी की पूरी सीट डाउन करनी पड़ेगी। और कम्फर्ट की बात करूँ तो भाई अच्छा खासा आपको कम्फर्ट मिल जाता है इसके अंदर। यहाँ पे आपको हम देगा जो कि काफ़ी बड़ा है, और यहाँ आपको अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है। और ड्राइवर हैंड आपको जो 360 मिलते हैं, ड्राइवर साइड आपको जो नहीं मिलेगा। बाकी आपको लैंप दिया गया बीच में जो कि ये है। फ्रंट सीट पे आपको जो दोनों ही हेडरेस्ट एडजस्टेबल दिए गए हैं। तो भाई ये बात रही ऑल ओवर इस गाड़ी की रियर सीट के बारे में। अंदर थाई सपोर्ट, रिक्लाइन एंगल भाई काफ़ी जो है बढ़िया मिल जाता है इसके अंदर। अब जो है मैं बात करता हूँ इस गाड़ी के फ्रंट डोर के बारे में, उससे पहले मैं की के बारे में बात कर लेता हूँ। तो की आपको ये मिलती है जिसमें लॉक अनलॉक का बटन दिया गया, दोनों ही आपको क्लियर सेंट्री की मिलती है, सुजुकी का लोगो पीछे। बाकी एक शिकायत है मारुति को यार ये चेंज करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना भाई बहुत ही आउटडेटेड हो गई है। कमेंट सेक्शन में आप बताना कि भाई ये की चेंज होनी चाहिए कि होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये जो की है ना काफ़ी थोड़ी सी आउटडेटेड लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, चार पावर विंडो कंट्रोल, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्ट फोल्ड आपको मिरर्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको जो है ये मैट ब्लैक की फिनिशिंग, यहाँ का स्पीकर ग्रिल, यहाँ पे एक लीटर की बॉडी की स्पेस, ड्राइवर साइड आपकी ऑटो डाउन रहने वाली है, यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे ट्रैक्शन ऑफ का बटन, यहाँ पे आईडी सॉफ्ट स्टॉप का बटन। अंदर बैठते हैं, अंदर देखते हैं। हाँ भाई, क्या मिलता है अंदर? अंदर मिलता है आपको ये सुजुकी का भरोसा, क्योंकि भाई इंजन काफ़ी रिफाइंड रहते हैं। टिल्ट मिलता है स्टेयरिंग व्हील, और हाँ टिल्ट ही मिलता है, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलता। यहाँ आपको जो वाइपर्स ऑटो नहीं मिलते, ना ही ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं। स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्योंकि आपको जो म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाता है, यहाँ से आप कॉल रिसीव कट कर सकते हैं। बाकी जब चाबी लगाता हूँ इसके अंदर और देखते हैं भाई इसके इंस्ट्रूमेंट कस्टम में क्या मिलता है आपको। गाना नहीं चलना चाहिए, पहले तो आंधी बंद करूं, ये तो ठीक है। और दूसरा ये देखो, यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर, बीच में एमआईडी, यहाँ पे आपको स्पीड मीटर, स्मार्ट हैंड मीटर की वैल्यू। मुझे पता था ये बजेगा, मेरे को पता था ये बजने वाला है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि गाना ना बजे। और यहाँ आपको एमआईडी दी गई जिसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप है, ट्रिप भी जो है आप सब कुछ चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, एवरेज रेंज सब कुछ यहाँ से आ जाएगा। बाकी जो है बैटरी भी बनी आ रही है इस गाड़ी के अंदर, आपको जो दो बैटरी मिलती है, एक को साइड की सीट के नीचे आपको बैटरी मिल जाती है जो कि यहाँ की साइड रहती है, जो कि माइल हाइब्रिड की रहती है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 7 इंच आपको डिस्प्ले मिलता है, 4 स्पीकर के साथ आता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको जो मिल ही जाएगा, ऑटोमेटिक एसी वेंट आपको यहाँ दिया गया है, जो कि यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग दी गई है, और यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन फाइबर फिनिश दिया गया है। 12 वॉट का आउटपुट, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट, यहाँ पे स्पेस, 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, यहाँ पे सेटिन सिल्वर जो कि यहाँ से कैरी ऑन होके यहाँ के साइड जा रहा है, काफ़ी बड़े लग रहा है। यहाँ पे स्पेस, 2 कप होल्डर की स्पेस, हैंड ब्रेक, यहाँ भी आपको स्पेस दे रखी है। फ्रंट सीट की कंफर्ट की बात करूँ तो भाई अच्छा खासा आपको कम्फर्ट मिलता है इस गाड़ी के अंदर। अंदर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, बट आपको कम्फर्ट यहाँ की जो कुशनिंग है ना अच्छी मिल जाती है। ग्लोबस की बात करूँ आपको डिसेंट अमाउंट का मिलता है। कोडा 70 मीटर की बात करें आपको मिल जाता है, जो कि एलेक्सआई वेरिएंट के अंदर नहीं मिलता। मतलब एलेक्सआई वेरिएंट से आप ये समझ सकते हैं इसके अंदर कि आपको जो है दो चार चीज़ें ना एक्स्ट्रा मिल जाती है, जो कि आपको आफ्टर मार्केट नहीं करानी पड़ेगी, जैसे कि हाइट एडजस्टेबल सीट और ऑटो फोल्ड तो नहीं कह सकता, इलेक्ट्रिकल एडजस्ट फोल्डेबल मिरर्स मिल जाते हैं, 7 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, 4 स्पीकर मिल जाते हैं, माइक मिल जाता है, और एक दो फीचर और भी मिल जाते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया। ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है जो कि एलेक्सआई वेरिएंट में नहीं आता, ठीक है। और आयर में आपको जो डे नाइट दिया गया जो कि ये है, और डैशबोर्ड में इंडी मिरर की बात करें आपको नहीं मिलता, टिकट होल्डर मिलता है। तो भाई ये बात रही ऑल ओवर इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, एक्सटीरियर के बारे में। डैशबोर्ड आपको डुअल टोन मिलता है, यहाँ पे सेटिन सिल्वर, यहाँ पे आपको मैट ब्लैक, ठीक है। लेदर है आपको स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता, आपको जो है वैसे ही मिलता जैसा आता है कंपनी तरफ से, ये जो है एक्सेसरी का पार्ट है। और सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, ABS, EBD, डुअल एयरबैग्स इसके अंदर आते हैं, ट्रैक्शन ऑफ का जो आपको बटन मिल जाता है, और पुराने वाली ब्रीजा 4-स्टार रेटिंग के साथ में आती, तो सेम प्लेटफॉर्म पे, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं ये 4-स्टार रेटिंग वाली जो है ब्रीजा है, कहीं ना कहीं आप मान सकते हो, ठीक है। तो ये बात रही ऑल ओवर इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, एक्सटीरियर के बारे में। अब मैं बात करता हूँ इस गाड़ी के इंजन के बारे में। इंजन आपको जो ये मिलता है इस गाड़ी के अंदर, आपको जो 1500 CC का इंजन मिलता है, K15C
आरडी नॉर्म के हिसाब से कंप्लाइंट है इंजन, BS6 फेज 2 रेडी है। और भाई अगर BHP की बात करूँ तो 102 BHP पावर प्रोड्यूस करता है, 136 Nm का टॉर्क, और भाई काफ़ी रिफाइंड इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, तो भाई रिफाइनमेंट लेवल एक अलग है। बाकी ऊपर इंसुलेशन भी दी गई है जिसकी वजह से कोई भी आपको जो है कैबिन नॉइस नहीं आने वाली है। बैटरी आपको यहाँ मिलती है, ABS यूनिट आपको जो है वहाँ मिलती है। माइलेज की बात करूँ तो भाई 13-14 सिटी के अंदर हाईवे आपको जो है 20-21 बाइस आराम से दे देगी। बाकी डिपेंड करता है कि आप जो गाड़ी किस तरीके से चलाते हैं। तो भाई K15C इंजन है अपना जो 102 BHP 136 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये दिया आपकी ब्रीजा VXI वेरिएंट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।